गीतों के स्टेडियम में, गीतों के स्टेडियम में संगीत की कमेंट्री करते हैं, झूम उठती है महफिल जब ये दोनों एंट्री करते हैं। ईंट पत्थर के मकानों में नहीं रहते ये, ऐसे कलंदर तो सीधे दिल में रजिस्ट्री करते हैं। पटाक, बहुत मजा आया सर, आइए आइए प्लीज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा बाजी, कुछ नाम ऐसे होते हैं जोड़ियों में लेते तो मजा आता है, जैसे सलीम सुलेमान, हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री में हमारे डायरेक्टर्स बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे हुए जिन्होंने जोड़ियों में काम किया, और ये दोनों भाई हैं और बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा भाई, मैंने कभी आपसे पूछा नहीं, इतनी बार मुलाकात हुई, आप में से बड़ा कौन है? आपको क्या लगता है ये? अरे नहीं यार, वो मैं समझ गया, अभी आप अपनी उम्र बचाने के चक्कर में। कभी कभी सच भी बोला करते हैं हम। अच्छी बात है सर, जैसे सलीम सुलेमान हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि सलीम पहले रखा गया और उसके बाद सुलेमान। एक्चुअली कपिल्स भाई, यू नो इंडस्ट्री में ऐसा हुआ कि जब हमने शुरुआत की तो लोग ही बुलाने लग गए सलीम सुलेमान, अरे वो सलीम सुलेमान को बुलाइए, कि हमने बहुत सारे गाने दूसरे कंपोजर्स के लिए अरेंज किए, प्रोग्रामिंग की उनकी, तो ये इंडस्ट्री ने नाम दिया हमें, हमने कभी ऐसा नाम बनाया नहीं हमारा। अच्छा, तो आप खाली गाने बनाते जाते थे? हम गाने बनाते थे, और नहीं नहीं हम पहले प्रोग्रामिंग करते थे कंपोजर्स के लिए, तो इंडस्ट्री में चर्चा होती थी कि अरे सलीम सुलेमान अच्छा काम करते हैं, उनको बुलाइए। पर आप बहुत अच्छा काम करते हैं, अभी आईपीएल के लिए इन्होंने बहुत अच्छा एक गाना बनाया है। आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ कभी, अकेले जा रहे हो, किसने आगे बुलाओ सलीम सुलेमान आपका ऑटोग्राफ? तो बहुत बार हुआ है अकेले के साथ। हम हमेशा कहते हैं दो जिस्म एक जान। अच्छा, आप साथ में म्यूजिक कंपोज करते हैं फिल्मों के लिए, लाइव शोज में आप साथ जाते हैं। अच्छा, जब इंडियन आइडल में जज बनने का टाइम आता है तो आप अकेले बैठ के जज करते हैं, उस समय आपको ध्यान नहीं आता कि भाई भी बैठ के पैसे कमाए आराम से? अगर हम सुलेमान और अगर मैं साथ में हो जाएंगे जी तो वो कंटेस्टेंट को दो वोट मिल ही जाएंगे। राइट, तो यही चक्कर था कि यू नो व्हेन दे, बिकॉज मैंने इंसिस्ट किया कि मुझे सुलेमान के साथ में ही रखो जी, हमारी जोड़ी है उनको तोड़ो मत। बट ऑब्वियसली हमने म्यूचुअली डिसाइड किया कि अन्नू जी टिके ही रहे हैं वहां जी, उन्होंने कुर्सी छोड़ी नहीं। अन्नू जी तो पेंशन लेके निकलेंगे वहां से। और एक फीमेल जज का बनता है क्योंकि वो एक थोड़ा सा ग्लैमर एलिमेंट आता है, तो उन्होंने सोचा था कि सीजन 5 में सुनिधि का जिक्र किया था। चलिए, बहुत अच्छा, आपने ऑडियंस को पूरा क्लियर कर दिया, जस्टिफाई कर दिया, नहीं तो बहुत लोगों के मन में सवाल था कि रियलिटी शो के टाइम पे दोनों अलग तो नहीं हो जाते हैं? ये सवाल तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सवाल तो आपका ही था वैसे, बट एनीवे ये बच्चों के सवाल थे यहाँ पे जो आए हैं। मैंने सुना कि जब आपने हौले हौले गाना जो सुखविंदर पाजी ने गाया वो आपने 9 घंटे में ही बना दिया था गाना? हाँ सर, जो स्क्रिप्ट से ही निकला था वो फ्रेज, हौले हौले हो जाएगा प्यार जी, तो उसका जो मेन हुक है वो तो वहां से ही निकल गया। आदित्य चोपड़ा को वो बहुत पसंद आया वो पीस, और सुलेमान को भी बहुत पसंद आया, इसे यार ये तो रखते ही है, इसको थीम बना देते। मैं मतलब हौले हौले उसके लिरिक्स ऐसे 9 घंटे में बनाया, अगर गाना होता तेज तेज सी हवा तो आप क्या 9 मिनट में बना देते? ऐसे हम सोचते रहते हैं फालतू की बातें। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.